पतंजलि आयुर्वेद का नाम सुनते ही योग गुरु रामदेव का चेहरा दिमाग में आता है, लेकिन रामदेव पतंजलि का सिर्फ चेहरा है। असल में इसे चलाते हैं आचार्य बालकृष्ण, और हाल ही में आई फोर्ब्स की बिलियनेयर लिस्ट के मुताबिक 15 जून 2023 तक आचार्य बालकृष्ण की कुल नेटवर्थ लगभग 3.6 अरब डॉलर यानी लगभग 29,587 करोड़ रुपए आंकी गई है। दुनिया की बिलियनेयर लिस्ट में उनकी रैंकिंग 810 है। तो चलिए आज हम आपको आचार्य बालकृष्ण की कहानी बताते हैं। 1972 में हरिद्वार में जन्मे आचार्य बालकृष्ण की मुलाकात रामदेव से तब हुई थी जब वो हरियाणा में खानपुर गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। 1995 में रामदेव आचार्य बालकृष्ण और आचार्य कर्मवीर ने मिलकर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट शुरू किया। ये ट्रस्ट हरिद्वार के कृपालू बाग आश्रम में शुरू हुआ। ट्रस्ट ने योग की शिक्षा देना शुरू किया। रामदेव की पहचान एक बेहतरीन योग गुरु के रूप में बनी। देश और दुनिया के कोने कोने से लोग रामदेव से योग सीखने आने लगे। साल 2006 में रामदेव आचार्य बालकृष्ण और आचार्य कर्मवीर ने पतंजलि आयुर्वेद शुरू किया। पतंजलि आयुर्वेद आयुर्वेदिक दवाएं, इम्यूनिटी बूस्टर्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके साथ ही कंपनी ने कुछ समय पहले फैशन और क्लोथिंग के बिजनेस में भी कदम रखा। पतंजलि आयुर्वेद ने साल 2019 में रुचि सोया को एक्वायर किया था। रुचि सोया का नाम बाद में पतंजलि फूड्स हुआ। पतंजलि फूड्स के अंतर्गत स्नैक्स, ग्रोसरी आइटम्स और बेवरेजेस बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि पतंजलि में रामदेव का कोई स्टेक नहीं है, जबकि आचार्य बालकृष्ण के पास कंपनी के 94% शेयर्स हैं। इसके बाद भी बालकृष्ण कोई सैलरी नहीं लेते हैं और हर दिन 15 घंटे काम करते हैं। फोर्ब्स की वेबसाइट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण का मानना है कि पैसों का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए, न कि खुद की सेवा के लिए। वही पतंजलि का सालाना टर्नओवर 40,000 करोड़ के करीब है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।